नमस्कार। नौकरी जंक्शन के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु आदि के विषय में। हम ले रहे हैं सबसे पहले हमारे पास हैं राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को हम मयूर या फिर वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में आप इसे पीकॉक के नाम से भी जानते हैं। मोर भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान शिव के दो पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम श्री गणेश और दूसरे पुत्र का नाम भगवान कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर है। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। आप देखते हैं इसके सिर पर एक कलंगी होती है जो राजा का एक प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ हमेशा मोर बना हुआ होता था। उसके साथ में आपको ध्यान होना चाहिए मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठते थे उसकी संरचना भी मोर के जैसी ही थी। इस तख्त का नाम तख्ते ताउस था। अरबी भाषा में ताउस का अर्थ मोर होता है। मोर की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के आसपास होती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय फल के बारे में। हमारा राष्ट्रीय जो फल है वो आम है। आप जानते हैं, आपने सुना है, आम फलों का राजा है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल भी है और बांग्लादेश में इसे राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा भी प्राप्त है। आम की बहुत सारी किस्में होती हैं जिनमें कुछ किस्में जैसे बम्बैया, बादाम, तोतापरी, मालदा, पैरी, सुवर्णरेखा, सुंदरी, लंगड़ा और राजापुरी। आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय फूल की। हमारा राष्ट्रीय जो फूल है वो है कमल। कमल को नीलम्बियन न्यूसीफेरा वैज्ञानिक नाम से भी जानते हैं। संस्कृत में आप इसे कमल, पद्म, जलज, फारसी में इसे आप नीलोफल, अंग्रेजी में आप इसे लोटस और चाइनीज में आप इसे वाटर लिली के नाम से जानते हैं। कमल का स्त्रीलिंग एक कुमोदनी भी होता है, उसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पेड़ की। हमारा राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस वैनगेलेंसिस होता है। इसे बट या बड़ भी सामान्य भाषा में कहते हैं। यह स्थलीय द्विजपत्री व सपुष्पक वृक्ष है। पुराणों में बरगद को भगवान शिव के समान माना गया है। भारत के अंदर चार बट बड़े फेमस हैं जिनका वर्णन पुराणों में भी होता है। जब समस्त पृथ्वी जल में डूब जाती है तो बट वृक्ष बसता है, उसे हम अक्षयवट कहते हैं। भारत में मूलतया चार बटों का विशेष वर्णन है जिनमें पहला है गृद्धबट। गृद्धबट सौरों, कासगंज जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में आते हैं, जिसे आप सौरों जी भी कहते हैं। दूसरा है अक्षयबट। अक्षयबट प्रयागराज, जिसका प्राचीन नाम इलाहाबाद भी था, वहां पर अक्षयबट भी है। उसके बाद में है सिद्धबट। सिद्धबट उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है। और चौथा जो बट है वह है बंसीबट। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन जहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी कि बंसीबट वृंदावन में है। और वृंदावन आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में है जी। आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की। राष्ट्रीय पशु हमारा है बाघ। बाघ को पैंथेरा टाइग्रस के नाम से जाना जाता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको संस्कृत में व्याघ्र के नाम से भी जाना गया है। यह एक स्तनपायी जानवर है। ये तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार को छोड़कर एशिया के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। बाघ वर्तमान में एक संकटग्रस्त प्राणी है। इसके लिए सन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट नाम की योजना की भी शुरुआत हुई है। आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव की। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा है मीठे पानी की डॉल्फिन, या फिर आप इसे गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटिनिस्टा गैंगोटोका।
5 अक्टूबर सन 2009 को गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश में से शौंस और असमी भाषा में से शिहू के नाम से भी जाना जाता है। कैसी लगी आपको आज की जानकारी?